हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वातिज गार्डन लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये होममेड फेशियल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी करवा चौथ स्पेशल सीरीज चल रही है, तो कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी अपनी वीडियो कि आप अपनी स्किन को कैसे पैम्पर कर सकते हैं, अपने फेस की ग्रूमिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर नहीं देखी वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज ये होममेड फेशियल लेकर आई हूँ जो आपकी स्किन को फ्रेश बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा और आपके बजट में भी होगा। तो सबसे पहला स्टेप है क्लींजिंग का। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच कच्चा दूध लिया है, उससे हम अपनी स्किन को क्लींस करेंगे। तो फ्रेंड्स, कच्चा दूध जो होता है बहुत ही अच्छा क्लींजर होता है। जैसा कि आप देख सकती हैं, इसने मेरी लिपस्टिक को बिल्कुल क्लीन कर दिया है, बिल्कुल रिमूव कर दिया है। इसी तरीके से हमारी स्किन की जितनी भी डर्ट पॉल्यूशन होती है, कच्चा दूध उसको बाहर लेकर आ जाता है और हमारी स्किन को एक ग्लो प्रोवाइड करता है, हमारी स्किन को एक फ्रेश लुक देता है। तो फ्रेंड्स, इसको आप 2-3 मिनट इस तरह से क्लींस करिए। उसके बाद स्क्रब के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच कच्चा दूध और इसमें मैंने आधी चम्मच के करीब चावल का आटा डाला है। तो फ्रेंड्स, चावल का आटा जो होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्क्रब का काम करता है। अगर आपका चावल सूट नहीं करता है तो आप जो लाल मसूर की दाल होती है वो भी ले सकते हैं, उसको पीस कर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चावल का आटा ये मैंने मार्केट का लिया है। घर का आप लेंगे तो वो थोड़ा सा मोटा होता है, बट मार्केट का जो होता है फाइन पाउडर होता है, बहुत अच्छी तरीके से उसकी स्क्रबिंग होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही लाइट हैंडेड आपको स्क्रब करना है, 1 से 2 मिनट करना है। बहुत ज़्यादा देर तक आपको स्क्रब नहीं करना है क्योंकि चावल का आटा है थोड़ा सा हार्श होता है और हमारी स्किन पर रैशेस ला सकता है, बट ये हमारी स्किन के जितने भी जो गंदगी होती है उसको बाहर निकाल देता है और हमारी स्किन को बिल्कुल सपल बना देता है। उसके बाद फेस को वॉश कर लेंगे साफ़ पानी से। तो आप देख सकते हैं, थर्ड स्टेप के लिए चलते हैं हम अपनी क्रीम के लिए। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच एलोवेरा जेल लिया है और उसमें मिलाया मैंने 1 चम्मच शहद। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हमारी ये बन जाती है क्रीम मसाजिंग के लिए। तो फ्रेंड, जेल बनकर तैयार हो गया है, तो इसके हम अब मसाज करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। 10 से 15 मिनट तक आप मसाज कर सकती हैं, बट आप पर डिपेंड करता है जितनी देर आप कर सकती हैं उतनी देर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हमने स्क्रब किया है तो हमारे ओपन पोर्स हो गए हैं, तो जेल और जो हनी है वो हमारी स्किन में डायरेक्ट पेनिट्रेट होगा और हमारी स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज करता है। तो फ्रेंड्स, जब आप मसाज करेंगी तो थोड़ी देर तक तो आपको नॉर्मल लगेगा, उसके बाद हमारा जो जेल है, जो हमने एलोवेरा जेल लिया है, वो अंदर चला जाएगा और हमारी स्किन पर थोड़ा सा ये हाथ हमारे टाइट हो जाएंगे क्योंकि अब हमारी स्किन पर काम कर रहा है हनी। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मेरी स्किन पर जेल जो है अंदर जा चुका है। बहुत अच्छी देर तक मैंने मसाज की है, अब उसके बाद नॉर्मल वाटर से हम अपने फेस को वॉश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ग्लो बहुत अच्छा आया है। अब पैक बनाने के लिए फ्रेंड्स, आप घर का भी बना सकते हैं, बट मैंने ये व्यायाम आयुर्वेदिक का लिकोराइस फेस पैक लिया है, मुलैठी का पैक है। इसको मैं दूध में मिक्स कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ऑयली स्किन है अगर आपकी तो आप इसको दही में मिक्स कर सकती हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करके फेस पर 10 से 15 मिनट के लिए इसे लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो मुलैठी होती है वो हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लो प्रोवाइड कराती है, हमारी स्किन के जो काले दाग धब्बे होते हैं, ब्लैक स्पॉट होते हैं, उसको भी रिड्यूस करती है। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट के बाद हम अपने फेस को नॉर्मल वाटर से धो लेंगे और हमारी स्किन हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस करवा चौथ स्पेशल सीरीज़। टिल देन, बाय।